कल एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकुला सुनाया। पहले वो चुटकुला आप सुनिए और उसके बाद आपसे बात करते। बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूं। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की, तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूं, मैं जीना नहीं चाहती हूं, तो मैं कांकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले, मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। इतना गंदा, इतना भद्दा मजाक आत्महत्या पर, और वो भी कौन सुना रहा है? देश का प्रधानमंत्री। क्या हो गया है आपकी संवेदनशीलता को मोदी जी, और क्या हो गया है आपकी गरिमा को? आप उस देश में आत्महत्या पर चुटकुले सुना रहे हैं जहां पर आप ही के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 के जो लास्ट अवेलेबल डेटा है उसके मुताबिक 164,033 लोगों ने आत्महत्या करी 2021 में। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है, इसका मतलब है कि रोज 450 लोगों ने अपनी जान ली। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है इस डेटा में कि 34% से ज्यादा 18 से 30 वर्ष की आयु के लोग हैं। मतलब हर घंटे 6 से ज्यादा लोग 18 से 30 वर्ष की आयु वाले अपनी जान ले रहे हैं। 30 से 45 वर्ष की आयु में 31% लोग हैं। मतलब हर घंटे करीब 6 लोग उस आयु वर्ग में भी अपनी जान ले रहे हैं। 5 दिहाड़ी मजदूर हर घंटे खुदकुशी करने पर मजबूर है। कभी सोचा है कि इनकी क्या व्यवस्था है, क्यों ये कर रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गरीबी, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई से ये जूझ नहीं पा रहे। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने आगे अंधकार नजर आ रहा है। इनको भविष्य में की कोई उजाला, कोई किरण नजर नहीं आ रही है। और ये आपकी विफलताओं के चलते 2014 से 2020 के बीच में बेरोजगारी के चलते आत्महत्या करने वालों में 60% की वृद्धि हुई है मोदी जी, और आप इस पर चुटकुले सुना रहे हैं। क्या हो गया आपकी संवेदनशीलता को? कभी सोचा है कि उन परिवारों पर क्या बीतती होगी जिनके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जिनके युवा चले जाते हैं? कंधे पर बच्चे की अर्थी उठाने से ज्यादा बड़ा दुख दूसरा कोई नहीं होता है। और आपसे एक बात और कहती हूं मैं मोदी जी, यही आपकी असलियत है। ये जो रंगी पुती पैसे के बल पर, मीडिया के बल पर आपकी छवि है ना, जो मुखौटा है, वो बार बार गिर जाता है और आपकी असलियत सबके सामने आ जाती है। ये भद्दे मजाक, ये ओछापन, ये क्रूरता, आप सुसाइड पर चुटकुले सुना रहे हैं। आज आप इस देश के युवाओं से, उन परिवारों से माफी मांगिए जिनके बच्चे पेपर लीक होने से, परीक्षा निरस्त होने से, बेरोजगारी के चलते सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि हर आदमी में वो मजबूती, वो संबल नहीं होता है, और हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज को संवेदना से समझना पड़ेगा। माफी मांगिए इस देश से, माफी मांगिए उन परिवारों से, माफी मांगिए उन युवाओं से जिन्होंने हार कर आपकी विफलताओं के चलते, अपने अंधकार भविष्य से थक कर, हार कर जान ले ली। माफी मांगिए मोदी जी।